तो चूंकि आज प्रतिपदा तिथि है, तो आज प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल उठ के स्नान आदि नित्यक्रम से निवृत्त होने के पश्चात में अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले घट स्थापना कीजिए। घट स्थापना कैसे करनी है? अपने मंदिर में पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके किसी गर्म आसन पर बैठकर आपको घट स्थापना के लिए एक पवित्र मिट्टी, साफ मिट्टी से वेदी का निर्माण करना है। फिर उस मिट्टी में जौ और थोड़े से गेहूं, इन दोनों को मिलाकर उस मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, बो दीजिए कुल मिला के, और उसी वेदी के मध्य में सोने, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश यथाशक्ति जो आपकी है, उस मिट्टी या चांदी या सोने के कलश को विधि पूर्वक स्थापित करना है। तो कलश लेकर उसमें जल भर ले, गंगा जल ढार दे, एक सुपारी डाल दे, साबुत सुपारी, एक सिक्का डाल दे चांदी का, हरी दुर्वा डाल दे, हल्दी की एक गांठ डाल दे उस कलश के अंदर जल में। अब कलश का जो मुख है उसके ऊपर एक नारियल जटा वाला, उसको एक लाल चुनरी, लाल वस्त्र में लपेट कर कलश के मुख के ऊपर रख दे, और कलश के चारों तरफ अशोक के वृक्ष के पत्ते या आम के वृक्ष के पांच पत्ते लगा दे, पंच पल्लव बोलते हैं उनको। अब आप एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कीजिए, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, उस पर चावल यानी अक्षत से अष्ट दल बनाकर उस पर माँ दुर्गा की या आपके कुलदेवी की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना कीजिए, अगर आप चाहें तो नौ दिवस और आप चाहें तो प्रतिदिन, जैसा आप कर सकते हैं, लेकिन देशी घी का दीपक अवश्य जलना चाहिए। सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करें। अब आप सबसे पहले भगवान गणेश जी का आह्वान करें, उनकी पूजा अर्चना करें, तत्पश्चात में जो कलश हमने तैयार किया उस कलश का पूजन करें, वरुण देवता का पूजन करें, षोडश मात्र का, 16 तरह की माताएं होती हैं उनका पूजन करें, 9 तरह की निधियां होती हैं, नव निधि का पूजन करें, और सभी देवी देवताओं का आह्वान कीजिए कि आप आइए और हमारी पूजा में स्थान ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात में माँ दुर्गा की षोडश उपचार आपको पूजा करनी है, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने हैं, वो जो कलश था वो वेदी के बीच में आपको स्थापित करना है। पूजन के पश्चात में माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की इसी प्रकार आपको रोज सुबह पूजा करनी है, मंत्रों का जाप करना है। देवी पूजन का जो सबसे मूल मंत्र माना गया है नवान मंत्र, जिसमें पूरा दुर्गा सप्तशती का सार छुपा है, बीज मंत्र समझ लीजिए। तो यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी कर सके तो खाली जो इसका नवान मंत्र है, इस अद्भुत मंत्र है, चमत्कारिक मंत्र है, इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, सब तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा। बड़ा सरल मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। बड़ा सरल मंत्र है, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। 9 दिवस तक इस मंत्र की जितना संभव हो, उठते बैठते सोते जागते इसका जाप करते रहिए आप। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक माँ भगवती की पूजा अर्चना करेंगे, व्रत करेंगे, उन्हें देवी आराधना से मिल सकता है खूब सारा धन। बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी, विवाह से जुड़ी हर समस्या का होगा सरल समाधान। तो आप मंत्र का भी जाप करें, दुर्गा सप्तशती भी कर सकते हैं, और जो भी आपका ईष्ट है उसकी पूजा भी आप 9 दिवस में करके आप एक पावर गेन कर सकते हैं, शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति प्राप्त